रीसेल प्रॉपर्टी इसलिए ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे क्योंकि एक मिनिमम बेयर बजट है दिल्ली NCR का 2025 तक, आज के यंगस्टर जिनके सारी 40-50 हज़ार रुपये होती है वो बहुत इजी गोइंग में यहाँ पे 80-85% लोन लेके एक प्रॉपर्टी को 4-5 लाख रुपये के बजट में परचेज कर सकते हैं और ये लीगल जोन में आता है। सेकेंडली थिंग यहाँ पे बॉम्बे एक्ट है, बॉम्बे एक्ट में फ्लोर वाइज परमिशन होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ को बसा भी सकते हैं, तो गवर्नमेंट के बॉम्बे एक्ट की वजह से ये एरिया कंटिन्यू डेवलप करता गया है। वैशाली के अंदर पर्टिकुलर 20-25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अगर आपको देखनी है तो वैशाली सेक्टर 1 में खरीद सकते हैं, सेक्टर 2 है 3 है 5 6 ये थोड़े रेजिडेंशियल सेक्टर हैं सारे जहाँ पे बिल्डर फ्लोर बनते हैं। यहाँ पे कंबाइन यूनिट में आप 2 BHK इजिली आप परचेज कर सकते हैं 20-25 लाख रुपये में। इंदिरापुरम में ज्ञानखंड, नेतिकंड, शक्तिखंड जैसे एरिया हैं, बहुत ही नियर है मेट्रो के, सारी बेसिक कम्युनिटीज वहाँ पे हैं। वसुंधरा में सेक्टर 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे 2 BHK 50 मीटर से स्टार्ट हो जाते हैं तो लगभग 70 गज ज़मीन होती है, आराम से 2 BHK बनते हैं और 20-25 लाख रुपये के बजट में इजिली आ जाते हैं।